में संजय जायसवाल जी के मुंह में इतना दांत नहीं है जो लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर और चिराग पासवान जी के ऊपर कोई कटाच करे। शुक्रिया, में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार की राजनीति गर्मा गई है, दो तीन बयानों से जनसंख्या जनगणना से जनगणना जाति जनगणना को लेकर बहुत सारे बवाल हुए। उसी में एक गुगली आई, वो बीजेपी की तरफ से कि 2025 में सरकार अकेले बनाएंगे। इसको लेकर हमारे साथ हैं चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता कृष्णा सिंह उर्फ कल्लू जी। कल्लू जी, अब तो आपके राम जी अकेले बनाएंगे सरकार? सोचना नीतीश कुमार जी को है। अच्छा, अरे भारतीय जनता पार्टी 74 सीट लाकर एक तो नतमस्तक बना हुआ है नीतीश कुमार जी के शरण में जाकर के, शरण में जाकर के, और ऐसा ही बताते हैं कि वही मंत्री जी का न बयान है जो खुद बोलते हैं कि नए मुसलमान ज्यादा प्याज खाते हैं, तो वही दोहरा इन पे अपनाई जाती है कि नए मुसलमान ज्यादा प्याज खाते हैं। अरे हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया था और उस विश्वास के ऊपर उन्होंने पानी फेरने का कार्य किया। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी ने आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के पीठ में जो छुरा मारा है, उसी के राह पर भारतीय जनता पार्टी ने आज आदरणीय चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी के पीठ में छुरा के साथ साथ तलवार भोंकने का उन्होंने कार्य किया। तो सोचना भारतीय जनता पार्टी को है, सोचना नीतीश कुमार जी को है, और हमारे नेता ने स्पष्ट करने का उन्होंने कार्य किया था कि मध्यावर्ती चुनाव बिहार में होगा और उसकी लाइन आदरणीय चिराग पासवान जी ने खींच दिया है और मध्यावर्ती चुनाव की बात अब सब लोग कह रहे हैं। अरे तो आपके नेता को तो इधर क्या नाम है उनका, संजय जायसवाल जी, वो भी रगड़ दिए, बोले काबिलियत नहीं है, आप लोग चुपचाप सुनते रह गए। अरे हम तो बोलेंगे संजय जायसवाल हैं कौन, अनुकंपा वाले ना भाई? अरे वो तो खुद अनुकंपा पे आए हैं। कहां से अनुकंपा पे आए? अरे वो किसके सीट पे आए हैं? अपने पिताजी के हैं तो क्या मतलब बनता है, हैं तो आदरणीय चिराग पासवान जी सांसद, तेजस्वी जी हैं विधायक, ये पिता के रहते हुए वोट गए हैं मांगे और जनता का आशीर्वाद मिला है, ये तो अपने पिताजी के देहांत के बाद उस सीट से चुनाव लड़कर ये सदन पहुंचे हैं, तो ये अनुकंपा वाले नेता हैं। अच्छा, अरे संजय जायसवाल जी के मुंह में इतना दांत नहीं है जो लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर और चिराग पासवान जी के ऊपर कोई कटाच करे। तो भाजपा तो साइड कर दिया, आप लोग पूछती हो है आप लोग हनुमान हनुमान राम, हम ये पूछते हैं आपको, भेज दिए वनवास में आप लोग को, कि संजय जायसवाल जी कौन होते हैं, चिराग पासवान जी को वो है कि नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हम उनको नहीं जानते हैं। अच्छा, हमारे नजर में चार ही नेता है भारतीय जनता पार्टी में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, आदरणीय जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन्होंने कभी बोला है? तो इन्होंने सपोर्ट भी तो नहीं किया ना, तो आपके चाचा को मंत्री बना दिया। वो नीतीश कुमार जी का कोटा से बने हैं, लोजपा कोटा से बने हैं, और प्रधानमंत्री जी का एक विशेषाधिकार होता है क्यों किसी को भी मंत्री बना दे, राज्य में मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है क्यों किसी व्यक्ति को सदन का मेंबर बना दे, मंत्री बना दे, तो बना तो दिया ना वहाँ। तो हमको से कह लेना बहुत बहुत बधाई हो प्रधानमंत्री जी को, पशुपति कुमार पारस जी को। अरे आप लोग पिछलगना का बात नहीं है, भाजपा क्यों नहीं बोलती है कि हम चिराग को छोड़ दिए, लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ दी, कैसे बोलेगी भाई? सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।